हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं पढ़ा रही हूँ 6 क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन जो है हमारा है चौथा। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने की बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई? तो हमको बताना है कि दोनों सप्ताह में जो है बिक्री है कितनी हुई है, ठीक है, और कितनी अधिक पुस्तकें जो हैं वो किस में बेची गई हैं, ठीक है, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो प्रथम सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची गई, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें बराबर 2,85,891, ठीक है। और दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 4,768, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हम यहाँ पे दोनों कुल पूछ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुल लिखा होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल बिक्री, कुल यहाँ पे लिख देंगे, कुल बिक्री बिक्री बराबर 2,85,891 और 4,00,768 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 8 और 1 कितना हुआ, 9, और 9 और 6 कितना हुआ, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15, 15 हुआ। तो 15 का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और एक हमारा हासिल लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या लग जाएगा, एक हासिल लग जाएगा। 8 और 7 कितना हुआ, 15, 15 में एक जोड़ा तो कितना हुआ, 16 हुआ। तो 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, एक हासिल लग जाएगा। 5 और 0 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 में एक जोड़ा तो कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। 8 और 0 जोड़ा कितना हुआ, 8 हुआ। 2 4 जोड़ा कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 6,86,659, ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब ये कह रहे हैं किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। अब ये कह रहे हैं कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, क्योंकि इसमें 4,00,000 करके है और इसमें 2,00,000 करके है, ये तो हमें दिखने से पता चल रहा है। पर हमको बताना है कितनी अधिक बिक्री हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना भी है साथ में हमको उनको घटाना भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है, हमको दिखने से पता चल रहा है ना किसमें बिक्री अधिक हुई है। तो हम यहाँ लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई बराबर कितनी अधिक हुई। तो हम यहाँ पे जो ये जो बड़ा होगा वो ऊपर लिखा जाएगा ना, जो बड़ा होगा वो तो ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4,768 को ऊपर लिखेंगे और 2,85,891 को नीचे लिखेंगे, तो क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, ठीक है,
इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, आठ में से एक गया सात, यहाँ पे छः लिखा है ना, छः में से नौ तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, सोलह। सोलह में से जब नौ जाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, मैं नहीं बताऊँगी, जल्दी से आप लोग ही कमेंट करेंगे कि सोलह में से जब नौ जाएगा तो क्या बचेगा, जल्दी से कमेंट करिए क्या बचेगा। हाँ आप लोगों के कमेंट सही आ रहे हैं, सात। ठीक है, क्या बचेगा, सात। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, छः बचा है, तो ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। सोलह में से आठ गए आठ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो था नहीं तो इसने इससे हासिल लिया, इसके पास भी कुछ नहीं था, इसने इसको हासिल दिया, तो यहाँ पे तो तीन बचा, यहाँ पे दस हुआ, पर दस से इसने इसको हासिल दे दिया तो यहाँ पे नौ बचा, यहाँ पे क्या हो गया, दस हो गया। अब दस में से इसने इसको हासिल दिया था ना, तो यहाँ पे नौ बचा, तो नौ में से पाँच जाएगा तो क्या बचेगा, चार। यहाँ पे नौ में से आठ जाएगा एक, तीन में से दो जाएगा एक, तो हमारा क्या आ जाएगा, 114,877 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इतनी अधिक पुस्तकें बिकी हैं किसमें, दूसरे सप्ताह में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करवाएंगे, पांचवा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, अब हम पांचवा क्वेश्चन करवाते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा ना, ये जो मैं लिखती हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, ये आपको लिखना नहीं होता है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं होता है कॉपी में, ये मैं समझाने के लिए लिखती हूँ बस। नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ होगा तो बैक करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं अपना। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ अंक दे दिए गए हैं, उनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो अंक हमको क्या दिए गए हैं, 6, 2, 6, 2, 7 और 4, 4 और 3, 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, तो हम इनसे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बराबर और इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर। तो हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं, तो सबसे बड़ा अंक कौन है वो पहले लिखा जाएगा, बड़ी संख्या के लिए जो सबसे बड़ा अंक है वो पहले लिखा जाएगा, क्या है, सात। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है, छः। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है, चार। उससे छोटा अंक कौन सा है, तीन। उससे छोटा अंक कौन सा है, दो। तो ये हो गई 76,432। क्या है, 76,432। मैं समझ रही थी चार ही अंक है, तीन अंक या पांच अंक है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 76,432। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, इसी को उल्टा लिख दो, दो लास्ट में है तो दो पहले, फिर तीन लिख दो, फिर चार लिख दो, फिर छः लिख दो, फिर
सात लिख दूँ, ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई 23,467, ये हमारी हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी दोनों संख्याएं बन गई। अब ये कह रहे हैं इनका अंतर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों का अंतर। तो क्या करेंगे, अंतर मतलब घटाना, घटा देंगे 7, 6, 4, 3, 2। ठीक है, 23,467 घटा देंगे। ठीक है, अब बचली घटा देते हैं, दो में से सात तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे, हासिल किससे लेंगे, इससे लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 12 में से सात क्या 5, यहाँ पे 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 12 में से 6 गए 6, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो हमारे पास क्या बचेगा 52,965। क्या आंसर आएगा, 52,965 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन भी जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा छठा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नोट हो गया होगा आपका। चलिए छठा क्वेश्चन अपना करते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए होंगे। तो एक दिन में कितने बनाती है, 2,825। सन 2006 में पूछ रहा है, सन 2006 का मतलब पूरा साल, पूरे साल का मतलब 365 दिन। ठीक है, तो 365 दिन की बात, 365 जनवरी 2006 में, सॉरी पूरे साल में नहीं कह रहा, जनवरी 2006 में, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना, तो 31 दिन में कितने पेज बनाए होंगे ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक दिन का पता है, एक महीने का निकालना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई के होते हैं, गुणा के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक दिन में बनाए गए एक दिन में बनाए गए पेंच बराबर 2,825। ठीक है, 2,825। फिर यहाँ पे कह रहे हैं 31 दिन में, मतलब हम यहाँ पे लिख दें, पहले ये लिख देते हैं जनवरी में दिन बराबर 31। 31 दिन होते हैं ना जनवरी में, ऊपर भाग रहा है, मैं जब लिखती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है, जब मैं सामने देखती हूँ तो मुझे पता चलता है ऊपर भाग रहा है। ठीक है, 31 दिन हो गए। फिर ये क्या कह रहा है, कहाँ चले गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए जनवरी 2006 में बनाए गए पेज बनाए गए पेच बराबर क्या हो जाएगा, 2,825 की गुणा कर देंगे 31 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, 1 5 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 2 2 गुणा यहाँ पे लगाएंगे, 3 5 15,
एक हासिल, तीन दूनी छः, छः में एक जोड़ा, सात, तीन अठे चौबीस, दो हासिल, तीन दूनी छः, सात, आठ हो जाएगा। दो हासिल जोड़ देंगे तो आठ हो जाएगा, ठीक है। पाँच आया, पाँच और दो कितना हुआ, सात हुआ, आठ और सात कितना हुआ, पंद्रह, एक हासिल लग जाएगा, चार और दो छः, और छः और एक सात, आठ, तो हमारे कितने पेज बने, 87,575 हमारे पेज बने, ठीक है। बस इतना ही से पूछा गया था, और कुछ तो इन्होंने पूछा नहीं है, बस इतना ही हो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके जो तीन क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं, तो नेक्स्ट जो तीन क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो हमारे छः क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, वो कल और परसों में हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, और कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो Facebook पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कैसे विजिट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है, इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पर आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोस जो हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ, फिर आपको एरो दिखेगा जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी, फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक की, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12, इन चैनल्स